मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम कौन सी रोड से गुजर रहे हैं और हम कैसे गुजर रहे हैं। वो टिक्की खा के आपको एक साल तक टिक्की नहीं खानी। Can't wait to reach India यार। क्या डन बेटा? I made two rotis। बहुत ही different feeling थी। पर तो अभी तक मेरे व्लॉग में एक बार भी ढंग से नहीं आया। लोग पूछ रहे हैं, हमें उसके बारे में जानना है। हेलो जी, कैसे हो सब लोग? तो वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये वाला व्लॉग भी है इंडिया से ही। अभी तो इंडिया के व्लॉग्स ही चलेंगे। तो मैं बैठी हूँ टैक्सी में। आज बहुत लेट उठी लोहड़ी के फंक्शन के बाद, यार नींद ही नहीं खुल रही थी। मैंने ना अपने कमरे से मम्मी को मैसेज करा, मम्मी जी हमारे साथ ही है। तो आज नमस्कार जी, और सब कैसे हैं? अभी अपना एंजॉय कर रहे हैं। पता है किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे लिखा कि आप वीडियो में आना नहीं चाहते हो, मैं आपको जबरदस्ती लेके आती हूँ। और आपका कभी कभी मूड खराब होता है तब भी मैं अपना कैमरा लेके आ जाती हूँ आपको लाने के लिए। मैं तो बड़ी खुश हूँ, मैं तो एंजॉय करती हूँ इस चीज़ को। भाई तुम लोग इतनी बातें सोच कैसे लेते हो? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे इंटरेस्ट आता है, मजा आता है। और ये बंदा ऐसा है इनके, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। शी इज वेरी सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमन एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हर। और बहुत अच्छे तरीके से रहती है हमारे बिना भी है यहाँ पे। तो हम तो इनसे हम सीख रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी के मन में ये है कि ये जबरदस्ती आ रही है वीडियो में। जबरदस्ती कोई नहीं आ रहा है। जबरदस्ती का मतलब ये, जबरदस्ती कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। नहीं आ सकते ना, वो पता लग जाता है जो जबरदस्ती आता है। से आते हैं, खुशी से आते हैं। बिल्कुल। तो मैं क्या कह रही थी, हाँ आज हम बहुत लेट उठे। तो मैंने अपने कमरे से इनको मैसेज किया, मम्मी उठ गए? तो ये उस टाइम उठे हैं, मुझे लगा मम्मी उठ गए होंगे। और हम सब बहुत थके हुए थे क्योंकि आप तो गुरुद्वारे भी गए थे ना सुबह 5 बजे उठ के। तो ये इनको तो उठे हुए, मतलब कि सुबह बंदा 5 बजे का उठा हुआ है। फिर हम लोग तैयार होकर गए तो इनके लिए तो बहुत ही हेक्टिक हो गया था। बट अब हम उठ के घर से निकल के नाश्ता वाश्ता करके अब हम जा रहे हैं तिलक नगर। तो वहाँ पे थोड़ा सा काम है, वो करेंगे। और आज हम बड़ी ही खास जगह जा रहे हैं, ठीक है? तो जहाँ हम जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी और बात करेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो अभी जाते हैं, पहले तिलक नगर के काम ख़त्म करते हैं। तो हम लोग ये जा रहे हैं रजौरी गार्डन से, और यहाँ पे नगर कीर्तन की तैयारियाँ हो रही हैं। मम्मी बता रही हैं वो गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्मदिन है ना। अच्छा, गुरुपुरब है। अच्छा, 17 को। अच्छा, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो फिर वो संडे के संडे कभी कहीं नगर कीर्तन निकलते ही रहेंगे दिल्ली में। अच्छा अच्छा, पर काफी बड़ा था है ना? बहुत बड़ा था, मतलब कि खाने पीने का के लिए सब कुछ होगा सबके लिए। अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। कब है गुरुपुरब? कब है? 17 को है। 17 जनवरी को। चलो अभी पहले नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हम कौन सी रोड से गुजर रहे हैं और हम कैसे गुजर रहे हैं। अभी थोड़ा फिर भी बेटर हो गया। अभी थोड़ी देर पहले ये सामने वाली सड़क से हमारे ऊपर गाड़ियाँ आ रही थी, मतलब लिटरली। हे भगवान, देखते हैं। हाँ ये रिवाज था ना यहाँ पे। हाँ ये राइट साइड। पता है जैसे यूके में मैं मम्मी को लीड करती हूँ, इंडिया में मम्मी मुझे लीड करती हैं। मम्मी कहती है मैं तेरे को लेके चलती हूँ। अच्छा तो इस वाली दुकान में चल। फिर मैं यूके में चलती हूँ, अच्छा आपको ये चाहिए, मैं आपको ये दिलाती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी, वो कहते हैं ना लाइफ एक सर्कल है, तो ये सर्कल ही है। कभी मैं करती हूँ, कभी ये करते हैं। हाँ ये था रिवाज। तो यहाँ जाना था ना वो हाटी पॉइंट से। फिर और रूही दोबारा से आ चुकी है मेरे ब्लॉग में। और आज तो आंटी भी आई है। सत श्री अकाल आंटी। आज मैंने सबको बताया आज हम बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं। तो ये आंटी बताएंगे जब हम गाड़ी में बैठेंगे हम कहाँ जा रहे हैं, है ना? बाकी आपको अंदाजा हो चुका होगा। तो मुझे बोला गया है कि ये सबसे फेमस जगह है जहाँ से बहुत अच्छे ये राम लड्डू मिलते हैं। और रूही ने बोला है कि ये सबसे अच्छी जगह है जहाँ से आप टिक्की खाओगे। तो ये आ गए राम लड्डू और ये आ गई है फेमस टिक्की। भाई ये टिक्की एक बंदे के लिए, चार बंदों के लिए? भाई सीरियसली, बड़ी मार्केट में खड़े होकर मैं खा रही हूँ राम लड्डू। मैंने सबको कह रही थी मैं ही हूँ जो ऐसे खा रही हूँ। सौर सूरी कभी ना खाए, नहीं खाता वो, सीरियसली नहीं खाता वो, क्योंकि एक तो वो फ्राइड वगैरह नहीं खाता, स्वीट फूड से इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। तो मैं खा रही हूँ राम लड्डू और फिर मैं खाऊंगी टिक्की। भाई वो टिक्की नहीं है, वो टिक्की खा के आपको एक साल तक टिक्की नहीं खानी, ऐसा है ना? खड़े हो जाते बस इवनिंग हो चुकी है और बस मैं अभी वापस घर पहुंचा हूं।
अबीर को स्कूल से ले आया हूँ, अभी वो ऊपर बैठ के कुछ खा रहा है, तो आज मैं बनाऊंगा उसके लिए, आई थिंक मैं रोटी बनाऊंगा क्योंकि प्रीति उसके लिए आटा करके गई थी मेरे लिए, तो मैं रोटी बनाता हूँ जल्दी से और साथ में उसके लिए और भी कुछ बनाता हूँ एंड खिलाता हूँ। बड़ा अजीब सा लग रहा है प्रीति के बिना, घर खाली खाली सा फील हो रहा है, लेकिन जल्दी से करते हैं। थोड़ी सी अबीर की ढीली हो रही थी तबीयत, तो मैं स्कूल से ले आया था उसको, लेकिन अब वो ठीक है एकदम, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मैं लंदन गया हुआ था, मैं लंदन से वापस आया और उसको लेके आया, बट इट्स ऑल गुड ऑल फाइन। तो जल्दी से करते हैं, कांट वेट टू रीच इंडिया यार, ऑनेस्टली अब मैं बता रहा हूँ। बस मैं अभी वो टैक्सी बुक कर रहा था अपने जाने के लिए, क्योंकि अभी रो मैंने जाना है, मैंने सोचा यार कि गाड़ी ना लेके जाऊँ मैं, टैक्सी पे जाता हूँ, इट विल बी ईजियर। तो बस वो टैक्सी बुक कर रहा था एंड इट्स अमेजिंग राइड, यू नो इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग, बट प्रीति विल सी यू सून। अबीर डैडी बना रहे रोटी आपके लिए, ठीक है? ओए बर्न नहीं करूंगा मैं हाउस डाउन, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, सिसाई जैकेट भी साफ करनी है तुमने अभी, ठीक है? चल वहां बैठ जा जाके, गुड बॉय बनो और होमवर्क करो जाके। क्या डन बेटा? आई मेड टू रोटीज। Don't disturb me because I'm doing a very professional stuff. I can do a very good roti, beta. You wait and watch. देख रहे हो आप लोग, not bad. I can do this. So, Preeti Suri, this is for you. I don't think, Daddy. Yes, beta. I'll make better than mummy, you will see. No, ऐसा तो ऐसा नहीं हो सकता। Yeah, okay, but it will be good for the new chef in house. Yeah, you be careful. Turn it. Yeah. No, well done. चलो बैठ जाओ जाके। So she can buy some better butter. अच्छा चलो बटर लगाओ जल्दी से इसको। Too much. कोई बात नहीं, इसको अच्छी तरह लगाओ everywhere. गुड बॉय। तो मैं बना रहा हूँ अंडे की भुर्जी, तो इसमें ये सब डाल के, देखो और वेजिटेबल है नहीं तो मैं वो भी डाल देता, बट जल्दी से बनाते हैं फिर खाते हैं परांठों के साथ। तो हाँ जी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो रूही ड्राइव कर रही है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पे हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बड़े मंदिर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और आंटी और मम्मी भी हैं हमारे साथ पीछे, तो मैं कुछ टाइम पहले से ही सोच रही हूँ कि मुझे बड़े मंदिर जाना है गुरुजी के पास, और ये सब कैसे हुआ, मैंने क्यों सोचा, उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। हाउएवर अभी चलते हैं अच्छी अच्छी वाइब्स के साथ, मत्था टेकते हैं और वापस आते हैं, और थैंक यू यार, थैंक यू सो मच मुझे ले जाने के लिए। गुरुजी का थैंक यू कर लें हमने। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपका, जो आपके बहाने मैं भी जा रही हूँ, मेरे को बहुत टाइम हो गया गए हुए गुरु जी के मंदिर, और मैं बहुत टाइम पर ड्राइव करके जा रही हूँ, मुझे सबसे अच्छी फीलिंग वही आ रही है कि गुरु जी थैंक यू, कैसे गुरु जी ने मेरा प्रोग्राम बनाया वो गुरु जी ही जानते हैं, और आप भी जानते हैं कि मैं कैसे आई हूँ। ट्रू थैंक यू गुरु जी। घर वापस आ गए हैं, प्लीज चेहरे की तरफ मत देखना, लिपस्टिक की तरफ मत देखना, तो हालत थोड़ी सी खराब है, जैसे थक गई हूँ मैं, सुबह से निकली हुई थी, तो बड़ा मज़ा आया गुरु जी के मंदिर जाकर, इट वॉज रियली गुड नाइस। ऑब्वियसली मैं शूट नहीं कर सकती थी तो मैंने शूट नहीं करा, और बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, ठीक है, उस फीलिंग को मैं बता नहीं सकती हूँ, यू नो, तो फीलिंग बहुत ही डिफरेंट थी, बट आई रियली लाइक द प्लेस, आई रियली लाइक, मतलब कि वहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत शांति मिलती है आपको, जैसा कि सब लोग बोलते हैं बहुत शांति मिलती है, ऐसा लगता है आप गुरुद्वारे में आ गए हो, सीरियसली मुझे तो ऐसे लगा कि मैं गुरुद्वारे में आ गई हूँ, और बस अपना मत्था टेका, लंगर प्रसाद खाया, चाय प्रसाद था,
और बस उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले, वहाँ से हमने टैक्सी करी मैंने और मम्मी ने, क्योंकि रूही और उसकी मम्मी अपने घर चले गए थे। और फिर बस अब हम घर आए हैं और मैं आते साथ ही सौरभ और अभी के साथ फ़ोन पे लग गई, वो अभी की बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी कि मम्मी आज मैंने ये करा, आज मम्मी मैंने वो करा। और बस अब मैं चेंज करती हूँ, उसके बाद पीऊँगी एक कप कॉफ़ी अच्छी सी बढ़िया सी, चेंज कर शावर लूँगी। मैंने आपको बता चुकी हूँ मैं सुबह शाम शावर लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर भी सुबह शाम ही शावर ले रही हूँ, तो शावर लेती हूँ और फिर एक अच्छी सी कॉफ़ी पियेंगे और फिर सोएंगे। आज का दिन वैसे बहुत अच्छा था, लेकिन आज मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, आज शॉपिंग नहीं कर पाई, वो कल की लोहड़ी की थकान ही नहीं उतरी थी। ये इंसान गाइस इस बंदे की शादी है, लेकिन मैं तो अभी तक मेरे व्लॉग में एक बार भी ढंग से नहीं आया। लोग पूछ रहे हैं हमें उसके बारे में जानना है, उसका फेवरेट कलर क्या है। मैं कहा आप जान के क्या करोगे, बंदा हो चुका है पराया, हमने कर दिया है। हाँ जी कैसा लगा फिर आज? नहीं फेवरेट कलर पूछ रहे हैं कि उन्होंने कपड़े भेजने मजाक में बोला, कोई नहीं पूछा तेरा फेवरेट कलर, ऐसा मुझे कोई भाव नहीं दे रहा तुझे। आदत नहीं है कैमरे की ना, इतनी अभी आ जाएगा ना उसका, इसको आदत हो जाएगी कैमरे की। ये मुझसे 9 ईयर्स छोटा है, ठीक है, तो देख सकते हो आप 9 साल छोटा है मुझसे। मेरी शादी में तो कितने साल का था, मेरी शादी हुई थी जब मैं 24 की थी, तो तू 15 साल का था, है ना। और इसके सारे दोस्त, कभी मैं आपको अपनी, आप लोग कहते रहते हो कि अपनी एल्बम शेयर करो शादी की, शेयर करेंगे। एक दिन मैंने बीच में सोचा भी था वहां पर ना कि निकालती हूँ, किसी फुर्सत निकालेंगे, हाँ किसी फुर्सत से निकालूंगी उसे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इसके सारे दोस्त जो शादी में आएंगे वो मेरी शादी में भी आए थे, और सारे मेरी शादी में ऐसे लाइन बनाकर खड़े हुए हैं उनकी, हाँ मेरी दादी जी भी थी। सीरियसली वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बस अभी छोटे से बात हुई है उसके पेट में जो, हाँ बस यही हो रहा है कि अब तू क्या कर रही है, तूने क्या करा, अब कितना टाइम हो गया, तेरे साथ कमरे में कौन है, सब जानना है उसको, मेरे साथ चल क्या रहा है मेरे साथ।